प्लास्टिक आज की तारीख में मानव की जरूरत बन गया है। प्लास्टिक ने रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी है। हम सुबह से रात तक जाने अनजाने में कई बार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इस वाले एपिसोड में हम प्लास्टिक का इतिहास से लेके आज तक की खोज के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को, पक्षियों को, जानवरों को, मानव को और पानी के जीवों को कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। पहला मानव निर्मित प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कर्स द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से लंदन में 1862 की महान अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में इसका प्रदर्शन किया था, जिसको पार्किसन कहा गया। पहली सिंथेटिक पॉलीमर का आविष्कार 1869 में जॉन वैस्ली हयात द्वारा किया गया था, जो न्यूयॉर्क की एक फर्म द्वारा $10,000 की पेशकश से प्रेरित होके इन्होंने हाथी दांत यानी आइवरी का विकल्प के रूप में इसे प्रदान किया था। 1907 में लियो हेनरिक बेकिलैंड तकनीकों में कुछ सुधार किया। इसके साथ व्यावसायिक रूप से सफल होने के लिए पहली पूरी तरह से सिंथेटिक रोल का आविष्कार किया, जिसके लिए इनको फादर ऑफ प्लास्टिक भी कहा जाता है। जल्द ही वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के लिए नई कंपाउंड्स की खोज शुरू कर दी। 1926 में वॉल्टर सैमन ने विनाइल यानी PVC का आविष्कार किया। 1933 में पॉलीविनाइल डीन क्लोराइड, जिसको PVDC भी कहा जाता है, गलती से रॉल्फ विली द्वारा खोजा गया। PVDC फिल्म का उपयोग मुख्य रूप से फूड, मेडिसिन और कॉस्मेटिक पैकेजिंग में किया जाता है। 1935 में लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी LDPE का आविष्कार रिजिनाल्ड गिब्सन और एरिक फॉसेट के द्वारा किया गया। LDPE व्यापक रूप से विभिन्न कंटेनरों के निर्माण, बोतलों, ट्यूबिंग और प्लास्टिक के पुर्जे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 1939 में वॉल्स ह्यूम कैरोथर द्वारा नाइलॉन और नियोप्रिन, जो कि सिल्क और सिंथेटिक रबर के रिप्लेसमेंट के लिए बनाया गया। 1941 में पॉलीथीन टेराफ्थालेट यानी PET का आविष्कार विनफील्ड और डिकेंसन के द्वारा किया गया, जो कि व्यापक रूप से फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1951 में पॉलीप्रोपिलीन यानी PP का आविष्कार पॉल हॉगन्स और रॉबर्ट बैंक्स के द्वारा किया गया, जिसको मोटर वाहन उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। 1954 में रे मैकिंटायर के द्वारा स्ट्रे फोम का आविष्कार किया गया। ये हल्के सुरक्षात्मक पैकेजिंग, सर्फ बोर्ड, खाद्य पदार्थ और खाद्य पैकेजिंग में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। 1970 में थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर का आविष्कार किया गया, जिसको TPU भी बोला जाता है, जो अक्सर मोबाइल कवर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक हर इंडस्ट्री में बड़े पैमाने में इस्तेमाल करने लगे हैं और प्लास्टिक का उत्पादन हर साल 40% से बढ़ रहा है। प्लास्टिक पूरी मेडिकल इंडस्ट्री का आकार बदल रहा है और पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने प्लास्टिक को अपना लिया है, जिससे हमारी कार हल्की और एफिशिएंट हो रही है। प्लास्टिक के पॉजिटिव गुण ही उसके नेगेटिव बन गए हैं। प्लास्टिक के कुल उत्पादन का छोटा हिस्सा ही रिसाइकल होता है, बाकी वातावरण में घुल जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण अब दुनिया के हर समुद्र तट पर पाया जा सकता है, व्यस्त पर्यटक समुद्र तटों से लेकर निर्जन तटों तक। 1950 में दुनिया की 2.5 बिलियन की आबादी ने 1.5 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया। 2016 में 7 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी ने 320 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया और यह 2034 तक दुगना हो सकता है। हर दिन लगभग 8 मिलियन प्लास्टिक प्रदूषण हमारे महासागरों में घुल जाते हैं। हाल के अध्ययनों में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण का पता चला है, जिसमें 100% समुद्री कछुए, 59% व्हेल, 36% सील और 40% समुद्र प्रजातियों की जांच में प्लास्टिक पाया गया है। प्रतिवर्ष समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से 1,00,000 समुद्री कछुए और 1,000,000 समुद्री पक्षी मारे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आज प्लास्टिक का कुछ बेहतर विकल्प भी नहीं है और जो विकल्प उपलब्ध है वो ज्यादा हानिकारक है।
कागज के इस्तेमाल से पेड़ कटेंगे और मेटल के इस्तेमाल से वस्तु का वजन बढ़ेगा और उस वजह से जलेगा ज्यादा ईंधन। क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्लास्टिक का हमारे जीवन में बहुमूल्य स्थान है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक प्लास्टिक को सुरक्षित और अधिक टिकाऊ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक अभी बायोप्लास्टिक का विकसित कर रहे हैं, जो कच्चे तेल के बजाय पौधों के फॉसिल से बनाया जा सके। ऐसे पदार्थ जो पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में सालाना लगभग 10 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कैरी बैग्स, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स, छोटे बॉटल, सैचेट्स और आदि प्लास्टिक चीजों पर बैन लगी हुई है। समाज पूरी तरह से प्लास्टिक पर निर्भर हो गया है, फिर भी हम शायद ही कभी रुके और आश्चर्य करें कि यह सामग्री हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है।